हेलो गाइस, आज हमारा टॉपिक कुछ अलग है। आज जो हमारा प्लान है वो इंश्योरेंस तो है पर इंश्योरेंस में हेल्थ नहीं है, बिकॉज ये हेल्थ भी है और ये बहुत बेसिक नीड भी है। बहुत मल्टीपल ट्रिप होती है जो ओवरसीज प्लान करते हैं, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत मस्ट होता है उसमें। अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो और अगर आप कहीं भी कोई भी ट्रिप अपनी प्लान कर रहे हो जो कि आपको इंडिया से बाहर है, तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस आपको डोमेस्टिक देता है। 99% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ सारे हेल्थ इंश्योरेंस डोमेस्टिक होते हैं। कुछ कंपनी के जो प्लान है 1% वो आपको इंटरनेशनल देते हैं, बट अगर आप बाहर की कोई प्लानिंग कर रहे हो और मोस्ट ऑफली आपको अपना ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। आपको इंडिया के बाहर जो आपका ट्रैवल है और आपका जो भी कन्वेंस है वो सारा कुछ सिक्योर करता है। तो आज स्टार्ट करते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस। मल्टीपल कंपनियां इसको ऑफर करती हैं, हम केवल बात करेंगे ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्या क्या बेसिक फंडामेंटल हैं इसके, इस पर हम बात करेंगे, जिससे आपको एक जब आप ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये वाली पॉलिसी आराम से आप फाइनल कर सकते हैं, फिर कंपनी चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो हमारा बेसिक है कि ट्रैवल इंश्योरेंस की हमें नीड क्यों है। अगर हमारी कोई फ्लाइट डिले होती है, ठीक है, हमारी फ्लाइट कैंसिल होती है, मेरा जो है इन केस ऑफ थेफ्ट लगेज मेरा चोरी हो जाता है, सामान वगैरह, पासपोर्ट थेफ्ट चोरी हो जाता है मेरा पासपोर्ट वगैरह, या फिर मेरे को वहाँ ओवरसीज में जाके कोई भी हेल्थ कंडीशन इश्यू हो जाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत सारे केस में किसी की डेथ हो जाती है तो वहाँ से जो है पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर ही आती हैं। ठीक है, और बहुत सारी कंपनियां इनको प्रोवाइड भी करती हैं, जैसे HDFC हो गई, केयर हो गई, बहुत सारी कंपनियां जो ट्रैवल इंश्योरेंस भी देती हैं। अब बात करते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया, अभी ये नीड इसकी क्यों है। वैसे क्या होता है, बहुत सारी कंट्री में इसकी जरूरत नहीं होती है, बहुत सारी कंट्रियों में मैंडेटरी, ज्यादातर कंपनियों में वीजा के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस वीजा के साथ मैंडेटरी होता ही होता है आजकल, और इसको लेने से आपका फायदा है, नुकसान नहीं है, जो भी फाइनेंशियल लॉसेस है वो पूरे पूरे सेव होते हैं आपके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी अगर मान लो आप कोई ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज कर रहे हैं तो उसमें दो चीजें होंगी, एक आपका होगा इंक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा, तो आप समझ जाना यूएसए इंक्लूड एंड कनाडा का थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा आने वाला है कंपेयर टू एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा। तो एक्सक्लूडिंग यूएसए एंड कनाडा कंपेयर टू इंक्लूडिंग थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। ठीक है, और इसका जो प्रीमियम है टोटली डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ डेज पर। 360 डेज का भी प्लान होता है, प्लान टाइप पर मैं भी बात करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ इसका जो भी प्रीमियम कैलकुलेट होता है आपकी जर्नी के ऊपर होता है। आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं, स्टार्ट डेट क्या है, किस कंट्री में जा रहे हैं, एंड डेट क्या है, रिटर्न कब का है, उसके ऊपर ही आपका प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ठीक है, इस पॉलिसी को इंडिविजुअल ले सकते हैं, फ्लोटर में ले सकते हैं जितने मेंबर हैं उनके लिए। आप इस पॉलिसी को मल्टीपल ट्रिप के हिसाब से 1 ईयर का भी ले सकते हैं, आपका बार बार विदेश में आना जाना रहता है तो मल्टी ट्रिप वाली पॉलिसी भी ले सकते हैं, और स्टूडेंट एक्सप्लोर प्लान भी ले सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट वीजा पर बाहर गए हैं स्टडी पर्पज से तो भी आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये प्लान टाइप हैं इसके जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे प्लान टाइप में ही आते हैं इस पॉलिसी के अंदर, और ये बहुत जरूरी है, बेसिक नीड बन चुका है। अगर आप फॉरेन ट्रिप कर रहे हैं तो ये बहुत जरूरी चीज है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनमें भी क्या क्या चीजें होती हैं, क्योंकि अगर आप एक हेल्थ ले रहे हो तो आप सारा प्लान देखते हो, इसमें इतने देखने की जरूरत नहीं है। दो तीन चीज पॉइंट है जो कि आपको पिक करने हैं, देखने हैं कंपनी के साथ। सबसे पहले अपनी पीडी देखनी है, कंपनी मेरी जो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है उस पर क्या वेटिंग पीरियड लगा रही है, कब से कवर कर रही है, कोई वेटिंग पीरियड है या नहीं, पहला पॉइंट मस्ट है और ये बात करनी चाहिए कंपनी से। दूसरा होता है कि आप कोई भी ट्रैवल इंश्योरेंस परचेज कर रहे हो तो इंडियन करेंसी में बहुत कम होता है, आपको बाहर की मान लो आप यूएसए जा रहे हो, $5 लाख का मिल रहा है, $10 लाख का मिल रहा है, तो वहाँ की करेंसी में ही आपको वो लेना चाहिए और वहाँ की करेंसी में ही वेबसाइट पर दिखाएगा आपको। जब आप प्रीमियम कैलकुलेट करोगे तो आप तो दिखाएगा $5 लाख इतने दिन का और ये मेरा इतना पैसा आ रहा है, वो आपका प्रीमियम होगा। ठीक है, बात करते हैं इसमें भी इन पेशेंट केयर होता है, मतलब इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन का मतलब ये हो गया कि जिसमें भी 24 घंटे से ज्यादा का हॉस्पिटलाइजेशन होता है आपको अप टू सम इंश्योर देती हैं कंपनियां इस चीज में भी, जैसे सेम हेल्थ में होता है सेम इसमें भी होता है। ठीक है, सेकंड चीज की बात करूँ, हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस यहाँ भी सारे कवर होते हैं, जैसे भी हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं वो कवर होते हैं। हमें देखना रहता है हमारा ओपीडी कवर है या नहीं, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डेली अलाउंसेस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, एम्बुलेंस में मिल रहा है तो कौन कौन सी एम्बुलेंस सर्विसेज मिल रही है, ये सब हमें प्लान के ब्रोशर में चेक करना रहता है पॉलिसी के अंदर।
उसके अलावा अगर मैं बात करूँ डेंटल एक्सपेंसेस मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो सारी चीजें भी हमें चेक करनी रहती है पॉलिसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा जैसे कि मैं बात करता हूँ, इसके अलावा पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलता है, तो पर्सनल एक्सीडेंट कवर कितने अमाउंट का है और अगर है भी तो उसके कितने डॉलर का है, वो जरूर आप चेक करेंगे, तो आपके सारे प्लान डिटेल में ही लिखा होगा। तो नॉर्मल सा एक रफली आप सारी चीजें चेक करेंगे, उसके बाद कैलकुलेट करेंगे, फिर परचेज करेंगे। प्रीमियम ज्यादा नहीं आता, अगर आप एक्सक्लूडिंग यूएसए कनाडा हैं तो आपका अंडर 6,000 5,000 के अंदर आपकी पॉलिसी आ जाएगी, अप्रोक्स आइडिया बता रहा हूँ। और अगर आप इंडिविजुअली हो बहुत कम टाइम के लिए जा रहे हैं तो वो 1,000 रुपीज के आसपास भी आ जाती है, पर इंक्लूडिंग यूएस कनाडा का थोड़ा सा इस कंपेयर टू दिस थोड़ा सा महंगा रहेगा, पर वो भी इतना एक्सपेंसिस नहीं होगा, तो आप आराम से उसे परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें जब मैंने आपको ट्रेवल इंश्योरेंस की वीडियो बनाना इसलिए सही समझा क्योंकि बहुत सारी डिमांड आ रही थी, बाहर के लोग जा रहे थे, तो मैंने ये वीडियो पर्टिकुलर उन लोगों के लिए बनाई है कि आप अपने पॉलिसी के अंदर क्या क्या चीजें देख सकते हैं, क्या क्या चीजें मैंडेटरी हैं। तो मैंने ये सारी चीजें मैं आपको साइड में जो दिखा भी रहा हूँ, इन सारी चीजों को फॉलो करिए, अच्छा प्लान आपको मिल जाएगा, परचेज करिए और आराम से इंजॉय करिए अपनी ओवरसीज प्लानिंग को। थैंक यू।